तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, ये 45 डेज के बाद का रिजल्ट है। और ब्रांचेस आप देख सकते हो कितना हेल्दी ब्रांचेस निकल गया है, आप देख सकते हो कितना हेल्दी ब्रांचेस निकल गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रिजु शाह है और वेलकम करता हूँ आप लोगों को मेरा चैनल मौजूद गार्डनिंग टेक्निक में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जैकफ्रूट की ये दो मोटा कटिंग ग्रो करके दिखाऊंगा। ये बहुत ही मोटा कटिंग है और साइज़ जो है मैंने बहुत ही छोटा कर दिया है। ये आप देख सकते हो दोनों कटिंग की जो साइज़ है मैंने बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दिया है। तो इस कटिंग को मैं ग्रो करके देखना चाहता हूँ कि ये सक्सेस होता है कि नहीं होता है। ये मेरा एक्सपेरिमेंट वीडियो है, तो ट्राई करके देखना चाहता हूँ कि ये सक्सेस होता है कि नहीं होता है। तो कटिंग आप देख सकते हो काफ़ी मोटा है, तो इसके लिए मैं ये सॉइल ले रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ कोको पीट है, ये सिर्फ और सिर्फ कोको पीट है और कुछ नहीं है। और कोको पीट में नमी जो है वो बनी रहती है, ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार पानी दोगे तो काफ़ी है, एक ही बार पानी देने से कटिंग ग्रो हो जाता है, दोबारा पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें पानी स्टोर रहता है। तो इसीलिए कटिंग को कोको पीट में लगाना चाहिए। और ये मैं ले रहा हूँ थोड़ी सी मात्रा में, ये आप देख सकते हो, ये शार्प फंगिसाइड है। ये आप देख सकते हो ये शार्प फंगिसाइड है, ये कोई रूटीन हार्मोन नहीं है। मैं इस पर कोई भी रूटीन हार्मोन नहीं लगाने वाला हूँ, सिर्फ शार्प फंगिसाइड लगाऊंगा ताकि कटिंग जो है सड़ ना जाए। शार्प फंगिसाइड लगाने से ये सड़ता नहीं है और फंगस नहीं लगता, इसी की वजह से कटिंग जो है बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। तो ये शार्प फंगिसाइड है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो कटिंग है इसकी ये साइड में मैं इसे कट लगा दूंगा इस तरह से, इस तरह से। बस इस तरह से मैंने कट लगा दिया है और इस पर भी सेम कट लगा दूंगा क्योंकि जो रूट है वो यहां से ग्रो होता है। तीन कट में लगा दूंगा, तो ये आप देख सकते हो मैंने लगा दिया है, तीन तीन कट मैंने लगा दिया है। और अब मैं क्या करूँगा, इस पर जो साफ फंकी साइड मैंने लिया है वो इस पर ऐसे मैं लगा दूँगा क्योंकि फंकस जो है यहाँ से ही फंकस लगना शुरू होता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लगा दिया है और यहाँ पर भी मैं लगा दूंगा नीचे। तो यहाँ पर भी मैंने लगा दिया, दोनों तरफ लगा दिया है। अब मैं इस पर भी लगा देता हूँ, थोड़ी सी कट कर लेंगे। तो ये मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हो ये मैंने लगा दिया है। और अब मैं इस पर ये जो कोको पीट है ये आप देख सकते हो इस पर भी दोनों कटिंग मैं इसे लगा दूंगा इस तरह से। बस अब मैं इस पर पानी दे दूंगा। पानी एक ही बार देना है, दोबारा पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोकोपीट में पानी स्टोर रहता है और इसी की वजह से दोबारा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कटिंग ग्रो ना हो जाए तब तक इसमें नमी बनी रहेगी, दोबारा पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोकोपीट जो है वो पानी को स्टोर रखता है। तो ये मैंने पानी दे दिया है, तो अब हम क्या करेंगे इसको, ये आप देख सकते हो ये प्लास्टिक का कंटेनर है, इससे ऐसे कटिंग को
ढक देंगे ताकि बाहर का जो हवा है वो अंदर ना जा सके, और अगर अंदर हवा चला जाएगा तो हमारा जो कटिंग है वो सूख जाएगा और ग्रो नहीं करेगा। तो इसी की वजह से हवा अंदर नहीं जाएगा तो हमारा जो कटिंग है बहुत ही जल्दी सक्सेस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस कटिंग को ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर धूप नहीं पड़ना चाहिए। सूरज की रोशनी तो आनी चाहिए लेकिन धूप डायरेक्ट सनलाइट इस पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर डायरेक्ट सनलाइट इस पर पड़ेगा तो कटिंग जो है वो सूख जाएगा। तो इसी की वजह से हमें ऐसे जगह पर रखना होगा जहाँ पर सूरज की रोशनी तो आना चाहिए लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए। तो अब मैं इसको ऐसे जगह पर रखूँगा। तो फ्रेंड्स, कटिंग को मैंने यहाँ पर रख दिया है, ये मेरा रूम है और इस रूम के अंदर मैंने रख दिया है, और इस रूम के साइड पर ग्लास है जो जिससे रोशनी आती है लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता। तो इसी की वजह से जो है कटिंग जो है बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा। जब तक ये सक्सेस ना हो जाए तब तक मैं इसको इसी रूम के अंदर रखूंगा, और जब ये सक्सेस हो जाएगा तो इसकी सक्सेस रिजल्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो ये 45 डेज के बाद का रिजल्ट है, और ब्रांचेस आप देख सकते हो कितना हेल्दी ब्रांचेस निकल गया है। आप देख सकते हो कितना हेल्दी ब्रांचेस निकल गया है। तो अगर हम कोकोपीट में कटिंग लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी सक्सेस हो जाता है और रूट जो है बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। तो कोकोपीट में कटिंग लगाने का ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है। तो अभी मैं आप लोगों को इसको निकाल के दिखाता हूँ कि जो रूट है वो किस तरह से ग्रो हुआ है। तो बहुत ही धीरे से मुझे निकालना होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसका रूट, आप देख सकते हो कितनी हेल्दी रूट इसका निकल गया है, और ब्रांचेस आप देख सकते हो काफ़ी सारे ब्रांचेस भी निकल गया है और काफ़ी बड़ा भी हो चुका है। तो ये आप देख सकते हो। अभी मैं दूसरा कटिंग आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। ये दूसरा कटिंग मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर आप कटिंग लगाओगे तो बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेस हो जाएगा। ये आप देख सकते हो कितना मोटा कटिंग मैंने लिया था, जयपुर का कितना मोटा कटिंग मैंने लिया था, और काफ़ी सारे जो ब्रांचेस हैं वो भी निकल गया है। ये कटिंग आप देख सकते हो, ये कटिंग आप देख सकते हो। तो इसी तरह से अगर आप जयपुर की कटिंग ग्रो करना चाहो तो बहुत ही ईजी कर सकते हो, बहुत ही ईजी टू ये ग्रो हो जाता है। तो अगर हम इसको अच्छी सॉइल में लगाएंगे तो एक साल के अंदर इसमें से फ्रूट आना शुरू हो जाएगा, लेकिन जैकफ्रूट क्या होता है, बहुत ही बड़ा फ्रूट होता है, इसीलिए जैकफ्रूट का प्लांट बड़ा होना चाहिए तभी उसमें फ्रूट जो है वो रहता है। तो इसी की वजह से अगर हम इसको लगाएंगे तो एक साल बाद इसमें जैकफ्रूट की जो फूल है वो तो आना शुरू हो जाएगा लेकिन फल नहीं बन पाएगा, और जब ये प्लांट बड़ा हो जाएगा मतलब कि 3-4 साल का हो जाएगा तभी इसमें जो फ्रूट है वो रहेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।